नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो में। दोस्तों, आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी जीडी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर करवाएंगे, जो कि आपका 2014 का है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका इस ओरिजिनल पेपर का टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। और वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि 10 मिनट का वीडियो होता है और आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए, बिना किस टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि हु वाज द फर्स्ट रूल गोवा, यानी कि गोवा पर सबसे पहले किस देश का शासन था। ऑप्शन आपका पुर्तगाल है, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस है, ऑप्शन सी स्पेन है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिए, गोवा पर सबसे पहले पुर्तगाल देश का शासन था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाल है। यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। गोवा जो था वो पुर्तगालियों से 1961 में आजाद हुआ था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, दो नंबर क्वेश्चन की ओर। दो नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा कि खासी लैंग्वेज स्पीक इन विच स्टेट, यानी कि खासी भाषा किस राज्य में बोली जाती है। ऑप्शन आपका मेघालय, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी कर्नाटक, या ऑप्शन नंबर डी झारखंड। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताना कि खासी भाषा किस राज्य में बोली जाती है। तो देखिएगा, खासी भाषा जो होता है वो आपका मेघालय में बोला जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए मेघालय। यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और मणिपुरी जो होता है वो आपका मणिपुर में बोला जाता है, और कन्नड़ जो होता है आपका कर्नाटका में बोला जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कि संथाली भाषा किस राज्य में बोला जाता है, तो संथाली भाषा जो होता है आपका झारखंड में बोला जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन नंबर क्वेश्चन की ओर। तीन नंबर क्वेश्चन बहुत इजी और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पीवी सिंधु इज एसोसिएटेड विथ, यानी कि पीवी सिंधु के साथ जुड़ा हुआ है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा खेल पीवी सिंधु के साथ जुड़ा है। ऑप्शन आपका क्रिकेट, ऑप्शन बी टेनिस, ऑप्शन सी बैडमिंटन, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिए, पीवी सिंधु का संबंध जो था वो आपका बैडमिंटन खेल से था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बैडमिंटन, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिएगा, मिथाली राज का संबंध जो था आपका क्रिकेट खेल से है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चार नंबर क्वेश्चन की ओर। चार नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु आर द लीडर ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी कि असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे। ऑप्शन है आपका जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, या ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नेहरू जी। तो जल्दी से बताना है कि असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे। तो देखिएगा, असहयोग आंदोलन के नेता जो थे वो आपका महात्मा गांधी थे, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। कब शुरू हुआ था, तो आपका 1920 में शुरू हुआ था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पांच नंबर क्वेश्चन को। और पांच नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। आपको बताने के, व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। ऑप्शन है आपका लोटस, ऑप्शन बी रोज, ऑप्शन सी मेरी गोल्ड, या ऑप्शन डी सनफ्लावर। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय फूल जो होता है वो आपका लोटस, यानी कि कमल होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कमल है, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छह नंबर क्वेश्चन को। छह नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे दबाना, और कम से कम तीन या चार दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना है। तो देखिएगा, छह नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, वेयर इज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी लोकेटेड, यानी कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपका पेरिस, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी हेगे, या ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो होता है वो आपका न्यूयॉर्क में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो होता है वो आपका हेग में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। और यूनेस्को का मुख्यालय की बात कर लें, तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है आपका पेरिस में है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, सात नंबर क्वेश्चन की। और सात नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल की राजधानी आपको बताना है। ऑप्शन है आपका गुवाहाटी, ऑप्शन बी सिलीगुड़ी, ऑप्शन सी कोलकाता, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, पश्चिम बंगाल की राजधानी जो होता है आपका कोलकाता होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कोलकाता, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और मैं आप सभी को बोल दूँ कि ये क्वेश्चन पेपर जो है हमारा 2014 का है, मैं आपको 2012 से लेकर के 2021 तक का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर करवा दूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाजू में बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे दबाना है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, आठ नंबर क्वेश्चन की। और आठ नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का चांस है। क्वेश्चन आपसे पूछा कि महात्मा गांधी की किस वर्ष में हत्या कर दी गई थी। ऑप्शन है आपका 1945 है, ऑप्शन बी 1948 है, ऑप्शन सी 1950 है, या ऑप्शन नंबर डी 1949। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, महात्मा गांधी की हत्या जो हुआ था आपका 1948 में हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1948, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। किसके द्वारा किया गया था, तो नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी की
हत्या कर दी गई थी। इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम परमाणु बम कब गिराया गया था, तो पहला परमाणु बम जो गिराया गया था वो आपका 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा पर गिराया गया था। इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत का संविधान कब बना था, तो भारत का संविधान जो बना था आपका 26 जनवरी 1950 को बना था। इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो आपका 1949 में हुआ था। इसे आपको ध्यान में रखना है। और आरबीआई का स्थापना की बात कर ले, तो आरबीआई का स्थापना जो हुआ था आपका 1935 में हुआ था। इसे आपको ध्यान में रखना है। और आरबीआई का मुख्यालय जो होता है आपका कोलकाता होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन की। और 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यंगून इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ रिवर, यानी कि यंगून नदी के किनारे स्थित है। आपको बताना है कि यंगून जो होता है वो किस नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन आपका महाबली गंगा, ऑप्शन बी इरावदी, ऑप्शन सी सिंधु या ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, यंगून जो होता है वो आपका इरावदी नदी के किनारे बसा है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इरावदी, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ झारखंड, यानी कि झारखंड की राजधानी कहाँ पर है। आपको बताना है कि झारखंड की राजधानी कहाँ पर है। और मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा, ये जो हमारा पेपर है वो आपका 2014 का है, लेकिन अब जो पेपर हो रहा है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, तो बिल्कुल आपका डिफिकल्ट लेवल का ही तैयारी हो रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना। बस ये मैं आपको 2014 से 2021 तक का ओरिजिनल क्वेश्चन पर दिखा दूंगा, और फिर मैं आपको डेली क्लास भी लेता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक एक लाइक तो बनता है। तो जल्दी से बताना कि झारखंड की राजधानी कहां पर है। तो देखिएगा, झारखंड की राजधानी जो होता है आपका रांची में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर है रांची, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाज एडॉप्टेड इन, यानी कि भारतीय मानक समय को कब अपनाया गया था। इसका राइट आंसर आप सभी को HW के तौर पर कॉमेंट बॉक्स में बताना। और जितना भी ऑप्शन आपके सामने दिखा रहा है मैं आप सभी के क्लियर कर देता हूँ। देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था, तो 1857 की क्रांति जो शुरू हुआ था आपका मेरठ से हुआ था। इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ जाता है कि भारत मतलब कि भारत देश कब आज़ाद हुआ था, तो भारत जो आज़ाद हुआ था आपका 15 अगस्त 1947 को हुआ था। इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था 1906 में हुआ था। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की। और 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा कि करेंसी ऑफ जापान इज, यानी कि जापान की मुद्रा क्या है। आपको बताना कि जापान की मुद्रा का नाम क्या है। ऑप्शन आपका येन है, ऑप्शन बी यूरो, ऑप्शन सी डॉलर है या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर येन, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि फ्रांस की मुद्रा क्या है, तो फ्रांस की मुद्रा जो होता है आपका यूरो होता है, इसे आपको ध्यान रखना है। और अमेरिका का जो होता है आपका डॉलर होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को। और 13 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे दबाना, और कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो, ताकि हमारा भी हेल्प हो सके। तो आपसे रिक्वेस्ट है कम से कम अपने व्हाट्सअप ग्रुप और 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर देना है। तो देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फिनलैंड, यानी कि फिनलैंड की राजधानी क्या है। ऑप्शन आपका कैनबेरा, ऑप्शन बी काहिरा, ऑप्शन सी हेलसिंकी या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, फिनलैंड की राजधानी जो होता है वो आपका हेलसिंकी होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हेलसिंकी, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो होता है वो आपका कैनबेरा होता है, और मिस्र की राजधानी जो होता है आपका काहिरा होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे पूछा कि फतेहपुर सिकरी वाज बिल्ट बाई विच रूलर, यानी कि फतेहपुर सिकरी किस शासक द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन आपका बाबर है, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर है या ऑप्शन नंबर डी शाहजहां। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, फतेहपुर सिकरी का निर्माण जो करवाया गया था आपका अकबर के द्वारा करवाया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी अकबर, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और ताजमहल का निर्माण जो करवाया गया था वो आपका शाहजहां के द्वारा करवाया गया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को। और 15 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा कि मानस सेंचुरी इज फेमस फॉर, यानी कि मानस अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना कि मानस अभयारण्य जो होता है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपका भैंस है, ऑप्शन बी चिड़िया, ऑप्शन सी बाघ है या ऑप्शन नंबर डी शेर। तो देखिएगा, मानस अभयारण्य जो होता है आपका भैंस के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर है भैंस, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। मानस अभयारण्य जो होता है वो आपका असम में है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो आज की क्लास हमारा ही पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो आपसे रिक्वेस्ट है जाते जाते एक एक लाइक कर देना है, और चैनल पर बड़ी बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पर दबाना, जाकर जब भी हम लाइव क्लास लेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पर दबाना, और कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि आपका सपोर्ट इस टाइम बहुत ही कम हो रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर देना। और वीडियो पसंद आए तो एक एक लाइक करते हुए चले जाना है, और अपना स्कोर जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताना।
जाना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।